इनके लब रंगी की निछावर थी के जिसने अच्छा एक इम्पोर्टेंट सवाल और भी है, कस्टम वगैरह से सामान लेने के ताल्लुक से है कि कस्टम से सामान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। शायद इनके पूछने का मतलब ये है कि जैसे एयरपोर्ट के ऊपर चेकिंग के दौरान जो है स्टाफ कुछ सामान रख लेता है, या फिर कुछ लोग सामान भूल जाते हैं, या फिर कुछ लोगों को इतना सामान ले जाने की इजाज़त नहीं होती तो उनसे वो सामान रख लिया जाता। इसमें जो है वो अलग अलग सूरतें होती हैं, कभी बंदे की मजबूरी में छूटता है तो कभी बंदे को मजबूरी में छोड़ना पड़ जाता है, तो कभी उससे जोर ज़बरदस्ती जो है वो सामान ले लिया जाता है, क्योंकि ऐसी धांधलेबाजी हर जगह जो है वो चलती है। सब लोग इसमें शामिल नहीं होते लेकिन बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते भी हैं, तो ऐसी सूरत में वो सामान जो है वो कस्टम में जाता है। जैसे किसी का जो बैग है उसमें परमिशन थी बाहर से कोई चीज़ 10 किलो लाने की और वो बंदा 15 किलो लाया, तो ऐसे में थोड़ी चीज़ें कम कर ली जाती हैं, वो चाहे मिठाई के तौर पर हो, फल के तौर पर हो, या कपड़े हों, या दूसरी चीज़ें हों। या फिर कोई शख्स अपना कस्टम पे जो है वो एयरपोर्ट पे सामान चेकिंग के दौरान भूल गया, उसका कोई बैग रह गया और उसके अंदर कपड़े रह जाते हैं, या इस किस्म से कोई सा भी सामान के जो बंदे से बतौर मजबूरी उनका ले कर रख लिया जाए, उनको ना दिया जाए, या बंदा भूल जाए, तो बाद में ये एयरपोर्ट वाले जो कस्टम वाले हैं सुनने में आए कि फिर ये उसको जो है वो बेच दिया करते हैं। अब ये एयरपोर्ट की अथॉरिटी के थ्रू बेचा जाता है या फिर उनके स्टाफ वाले आपस में इसकी बोली लगा के इसको सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। तो ऐसे सामान को जो है ख़रीदना कैसा, क्योंकि सामान अच्छा भी होता है उसमें, यानी कंपनी का भी होता है, ब्रांडेड भी होता है, जो लोग बाहर से आ रहे जा रहे होते हैं या तो ला रहे होते हैं या ले जा रहे होते हैं, और ऐसे में वो सामान सस्ते रेट पर मिल जाता है, तो क्या उसको ख़रीदना चाहिए। तो असल में इस किस्म का सामान के जिसके मालिक का अता पता ना हो, ऐसे सामान को ख़रीदना ये जायज़ नहीं है। तो कस्टम पर अगर इस किस्म का सामान बिकता है जिसके मालिक का ख़ुद नहीं पता, और जो शख्स बेच रहा है वो ख़ुद उसका मालिक भी नहीं, तो ऐसे सामान को ख़रीदना नाजायज़ है। अगरचे वो आपको 100 रुपये की चीज़ 1 रुपये में भी दे तो भी कस्टम से इस किस्म के सामान को नहीं लेना चाहिए, बल्कि सामान पे असल तो उन्हीं लोगों का हक है जिनका वो सामान है, चाहे वो बंदा धोखे से भूल जाए या कुछ भी हो, लेकिन गालिबन भूलने की सूरत में अगर बंदा दोबारा कॉन्टेक्ट करता होगा एयरपोर्ट पर तो सामान मिलने की गुंजाइश रहती है। लेकिन जो सामान एक्स्ट्रा रख लिया जाता है निकाल के, या फिर चेकिंग के दौरान चोरी करके निकाल लिया जाता है, ऐसा भी होता है बिल्कुल कि सामान में से चोरी करके सामान को गायब कर लिया जाता है, तो ऐसी सूरत में वो सामान अगर बेचा जाता है तो उसका बेचना भी नाजायज़ है और उसका ख़रीदना भी बंदों को नाजायज़ है। अब क्योंकि कस्टम के अंदर सारे मामलात इसी तरीके के आते हैं कि बेचने वालों का ज़ाती माल होता ही नहीं, तो इसमें यह भी एतबार नहीं किया जा सकता कि हमें मालूम नहीं है इसकी हकीकत क्या है, क्योंकि आपको मालूम है इसकी हकीकत क्या है और कस्टम पे जो मामला चलता है वो क्या चलता है, वो यही चलता है। तो इसीलिए वहाँ के जो है वो सामान कस्टम के ख़रीदने से बचना चाहिए, चाहे कोई शख्स को बतौर जुर्माना वो सामान ले लिया गया हो, छीना ना गया हो, और यानी रूल रेगुलेशन के हिसाब से जुर्माना लगाकर उस पर वो सामान रख लिया गया हो, परमिशन नहीं थी, फिर उस सामान को बेचा जाए तो उस सामान को भी कस्टम से जो ख़रीदना नहीं चाहिए। पत्थर में असल लाले पुरनवार।